हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो अलग से डिस्काउंट का कॉलम चाहिए टैली प्राइम में। ईआरपी 9 की बात नहीं कर रहा, टैली प्राइम आज हम पढ़ रहे हैं और टैली प्राइम में अलग से डिस्काउंट का कॉलम लेके आना है। कैसे आएगा आइए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले वाउचर में जाने के लिए वी प्रेस कर देता हूँ और परचेज वाउचर में आने के लिए F9 प्रेस कर दीजिए। मैं ऑलरेडी परचेज में हूँ तो हमें कोई F9 बटन प्रेस करने की अभी जरूरत नहीं। अभी आपको कीबोर्ड से क्या करना है, F11 फंक्शन बटन प्रेस करना है। जैसे ही F11 फंक्शन बटन प्रेस करेंगे तो टैली प्राइम में ये एक विंडो ओपन हो जाएगी। अब इस विंडो की खासियत क्या है, जैसे ही नीचे आएंगे, अब देखिए मेरे साथ नीचे आइए, आप ही आइए 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 और आइए और आइए और आइए, बस यहीं पे रुक जाइए। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस। आपको क्या डिस्काउंट का कॉलम चाहिए इनवॉइस में, अगर चाहिए तो आप इसको एक्टिवेट कर दीजिए, डिस्काउंट का कॉलम आ जाएगा। तो यहाँ वाई प्रेस कर दीजिए, ये डिस्काउंट का कॉलम आएगा। अब आप कंट्रोल ए प्रेस कर देता हूँ, सीधा सीधा कंट्रोल ए प्रेस कर दिया तो अब डिस्काउंटों का कॉलम आएगा। तो ये देखिए यहाँ पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल दिया हमने और यहाँ पर वो डेट आएगी जिस डेट पर हो रही है परचेजिंग। सिंपल है, एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पर कैश में परचेज कर रहे हैं या उधारी का माल परचेज कर रहे हैं, दोनों देखना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ एक क्रेडिटर पार्टी है, हम उधारी का परचेज करेंगे तो ये क्रेडिटर पार्टी लगा देते हैं। एंटर प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, एंटर 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 एंटर। और अब यहाँ पर परचेज अकाउंट का लेजर लगाना है, लेजर यानी खाता। अगर आपने लेजर नहीं बनाया है तो टैली प्राइम में बहुत बढ़िया तरीका है कि यहाँ पर क्रिएट पर आपको जाना पड़ेगा। ये जो क्रिएट दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करके और लेजर बना लेना और अंडर परचेज अकाउंट डाल दीजिए। हमने पहले से बना रखा है तो इसको ले लेते हैं। अब हमने जो स्टॉक आइटम अभी अभी बनाया है उसको लेते हैं। हमने कौन सा स्टॉक आइटम बनाया, हेडफोन का। तो यहाँ जैसे ही हेडफोन टाइप करता हूं तो ये हेडफोन आ गया, ठीक है। और यहां पर देख सकते हैं, ये देखिए ना, यहाँ पर परसेंट में डिस्काउंट अपने आप आ रहा है, ठीक है। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने वहां F11 बटन प्रेस किया था और एक्टिवेट किया था डिस्काउंट के कॉलम को, तब ये डिस्काउंट आ रहा है। अब यहां पर चलिए देखते हैं, जैसे मान लीजिए 7 हेडफोन परचेस कर रहे हैं हम, ठीक है। इसके बाद हम लोग बिल भी देखेंगे कैसा बिल जनरेट हो रहा है इसका। और मान लीजिए एक फोन की कीमत, हेडफोन की कीमत 700 रुपए है, तो इसके हिसाब से 4900 रुपए यानी 4900 का हेडफोन हो गया, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे डिस्काउंट देना है कि नहीं देना है। तो मान लीजिए कि 1.5% या 2% का डिस्काउंट लगा दिया है, तो डिस्काउंट लगाएंगे तो ये रेट जो 4900 दिख रहा है, 4900 दिख रहा है, ये कम होगा, 4802 रुपए हो गया। क्लियर है ना, तो ये हो गया डिस्काउंट आपका। अब नीचे जो लगाना है आपको जीएसटी, वो जीएसटी लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि और भी स्टॉक आइटम चाहिए तो वो भी ले लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूं यहाँ पे जावा की बुक है, तो यहाँ लिख देता हूँ जावा और बुक लिख देता हूँ, किताब है जावा की। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पीसेज ही कर देता हूँ। यूनिट नहीं बनाया तो यहाँ से जाकर के यूनिट बना सकते हैं, ठीक है। किस तरह से यूनिट बनेगा देखिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पर एक अलग से यूनिट बनाता हूँ, आईटीएम आइटम कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ आइटम आईटीएम, पूरा नाम लिख देंगे, ऊपर केवल संकेत भर देंगे, सिंबल भर देंगे। और यहाँ पर आई प्रेस करता हूँ आइटम के लिए, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे यूनिट्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ यूनिट भी रख सकता हूँ, ठीक है, पीसेस भी रख सकता हूँ, ये देखिए पीसेस भी दिया हुआ है, पेयर्स भी रख सकते हैं आप। तो जैसी आपकी जरूरत हो उसके हिसाब से आप यूनिट रख सकते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाएगा लिस्ट ऑफ UQC, ठीक है। और यहां से मैं कर देता हूँ पीसेस, तो ये पीस कर दिया हमने। और यहाँ पर ऐसा थोड़ी ना है कि 1.5 किताब पढ़ेंगे, 2.5 किताब पढ़ेंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो जावा की किताब पढ़ेंगे या तो एक पढ़ेंगे, दो पढ़ेंगे, तीन पढ़ेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर डेसिमल पॉइंट 0 रखता हूं मैं, ठीक है। अगर हम आलू खरीदते तो 1.5 किलो खरीदते तो यहाँ डेसिमल पॉइंट दे सकते थे, लेकिन अब किताब में कैसे डेसिमल पॉइंट देंगे, नहीं दे पाएंगे। तो ये एंटर प्रेस कर देते हैं और एंटर प्रेस करके यहाँ पर अलग से जीएसटी लगाना है तो वाई प्रेस कर दीजिए, अलग से जीएसटी लगा दीजिए। किताब कॉपी पर थोड़ा गवर्नमेंट छूट उठ दे देती है, पता नहीं इस समय दे रही है कि नहीं। तो ये जो है ये लगा दिया हमने, तो मान लीजिए कि 5% है तो ये हो गया। तो ये इस तरीके से अब इसको एक्सेप्ट करा लिया हमने। तो मान लीजिए जावा की 5 बुक परचेस कर रहे हैं, एक बुक की कीमत है 780 रुपए, ठीक है, ये हो गया। अब इस पर डिस्काउंट कुछ मिल रहा है, जैसे दुकान वाला आपको डिस्काउंट दे दिया, बोला कि ठीक है 5% का मैं आपको क्या करता हूँ डिस्काउंट दे देता हूँ। तो अभी कीमत कितनी है, 3900 रुपए कुल कीमत है जावा के बुक की, लेकिन अगर जैसे ही 5% डिस्काउंट करता हूँ तो 3705 रुपए हो गया। आ रही बात समझ में ना। अब यहाँ नीचे आकर के और भी कोई स्टॉक आइटम लेना हो तो ले सकते हैं, बाकी यहाँ पे CGST SGST की बात कर लेते हैं। तो CGST लगा दिया हमने और SGST लगा दिया, ठीक है, ये दोनों लगा दिया। एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। यहाँ से नरेशन चाहे तो डाल सकते हैं, ठीक है, लाइक मैं यहाँ डाल देता हूँ गुड्स
हैव बीन परचेज्ड, खरीद लिया गया किताब उताब, तो ये हमने डाल दिया। और अब यहां पे एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कराएंगे, तो ये एक्सेप्ट हो गई हमारी एंट्री। अब जब एक्सेप्ट हुई है तो गई कहां है, एक्सेप्ट हुई है तो दो बार डी प्रेस कीजिए, यहां पर आपको दिखेगा शायद यही लास्ट वाली एंट्री है हमारी। अब एंटर प्रेस करता हूं तो देखिए ये दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अब इसका एक बार प्रिंट देखते हैं कैसा प्रिंट आया है, तो अल्ट के साथ पी प्रेस कीजिए, प्रिंट चेक कर लेते हैं। एंटर प्रेस करेंगे, एक बार और एंटर प्रेस करेंगे। अब यहां से आई प्रेस करना है आपको, कीबोर्ड से कौन सा बटन प्रेस करना है, आई। तो जैसे ही आई प्रेस करेंगे तो ये बड़ा वाला, ये हम सेटिंग किए हैं तो बड़का वाला बिल दिखाई पड़ रहा है इसमें, बड़ा वाला बिल। तो ये देखिए सारी चीजें इसमें आ रही है, HSN कोड ये मैंने एक्टिवेट कर रखा है तो आ रहा है, हालांकि हमने डाला नहीं है। तो ये देख लीजिए सारी चीजें इसमें आ रही है, 2.5% के हिसाब से डिवाइड हो गया CGST SGST में, और सारी चीजें इसमें आ रही है लग करके। तो इस पे 2% का डिस्काउंट है, डिस्काउंट का भी अलग से कॉलम आ रहा है, मैंने कहा था डिस्काउंट का अलग से कॉलम आएगा, तो ये डिस्काउंट का कॉलम अलग से आ रहा है, ठीक है। समझ में आ रही है कि नहीं बात, तो डिस्काउंट का कॉलम एक्टिवेट करना आ गया।